रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शेषम नागरा स्वागत करता। दोस्तों अज 26 तरीक है तो 26 तरीक का जिहड़ा किसानों वालों अज की कॉल दी गई सी भारत बंद की, तो इस वक्त असी KMP रोड पर खड़े हैं। कुंडली मानेसर पलवल जिहड़ा ये रोड है जिहड़ा दिल्ली नूं रास्ता जांदा है, गाजियाबाद नूं रास्ता जांदा है, कुंडली मानेसर पलवल नूं रास्ता ये जांदा है। जिहड़ा ये रोड है पूरा जिहड़ा हर टाइम 24 घंटे पूरा बिजी रोड है। इस नूं किसानां वल्लों तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि इस रोड नूं भी अज जिहड़ा किसानां वल्लों इत्थे जाम किया होया, चक्का जाम किया होया। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि ये पूरी रोड इस वक्त बिल्कुल बंद है। सो तुहानूं एक बार नीचे की तस्वीर भी जरूर दिखाने आ, तुसीं देख सकते हो। पहला तो ये देख सकते हो तुसीं ये वो रोड है जिहड़ा करनाल रोड जिथे किसान बैठे ने। तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि नीचे भी जिहड़ा ये पुल दे नीचे रोड है, करनाल रोड है ये, जिहड़ा किसानां वल्लों इस रोड नूं भी जाम किया होया। सो अज इस रोड ते किसानां दी कॉल दा जिहड़ा पूरा असर दिख रहा है। सो नौजवान भी बैठे ने, 80-80 साल के बजुर्ग भी इत्थे नज़र आ रहे ने जिहड़े इस बॉर्डर नूं बंद करवा रहे ने। सो किसानां नाल भी तुहाडी गल करवाने आ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਲ? 9 ਵਜੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ। 6 ਤੋਂ 6 ਨਹੀਂ ਸੀ? 6 ਤੋਂ 6 ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा के रहने वाला? हाँ, रणधीर सिंह देसवाल मेरा नाम है। 26 तारीख से जब से पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन का बिगुल बजाया, ये जो चिंगारी है पहले भी देश की आज़ादी के लिए पंजाब से ही ये चिंगारी उठी थी, जिसमें 80% जो लोग थे पंजाब के वो थे। ये मैं है बहुत मुबारकबाद देता हूँ मेरे किसान भाइयों को जिन्होंने ये काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हरियाणा प्रदेश के अंदर 116 के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन, उसको भी इस खट्टर सरकार ने, मोदी ने तार पीड़ो करके और उसको ने खराब कर दिया था। उसमें गलत आदमी घुसेड़ करके रोहतक जैसे शहर में आग लगवा करके वो हमारा फेल कर दिया था। हमें इस बात का बड़ा बेखूबी पता था। जब ये किसान शंभू बॉर्डर से हरियाणा प्रदेश में गुजर रहे थे तो इन लोगों को उन्हें खट्टर ने खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, माओवादी किस तरह के मतलब नारे लगाए, किस तरह का प्रचार किया। लेकिन ये हमारे भाई थे, हमने कंधे से कंधा मिला करके 26 तारीख से ही मैं उन्हें यहाँ दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर बैठा हुआ हूँ और 47 दिन तक उस पर भूख हड़ताल पर रहा हूँ। लेकिन ये जो आंदोलन हमारी जो कालने थी, हमारा आंदोलन जो है ये एक सच्चा और सुच्चा आंदोलन है देश के, कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं था, ये देश के किसानों का और किसानों का ही नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका था। छोटे छोटे दुकानदारों का, कर्मचारियों का, हर आदमी जो है जन सलाह बन चुका है। आज हरियाणा और पंजाब मिलकर, कौन आ रहा है के भाई? हरियाणा और पंजाब मिलने से 2 हो जाते हैं, लेकिन ये 2 नहीं हुए, 1 और 1 11 हुए। 1 और 1 11 होने के बाद में 1 और मिला, ये 3 नहीं होते, 111 हो गए। आज तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है किसान आंदोलन, ये सारे देश का जन आंदोलन बन चुका है, संसार ये मान चुका है। और मेरे जैसे आदमी जो इतनी उम्र के हैं, मैंने है ना आज तक न ऐसा आंदोलन देखा है, न सुना है और न होया है और न होगा। हमारा आंदोलन जो है ये अंबानी और अडानी को हमारी वोटों से बढ़ने के, उसमें किसानों की वो जो वोटें हैं, मजदूर की जो वोटें हैं वो 70% होती हैं, और जो ये वोटें हैं ये अंबानी अडानी की सिर्फ 3% होती हैं, कर्मचारी की है जो वो 7% होती है। हमारे वोटों के अंदर जुमले दे करके, अब मुझे ये बताइए कि लगातार पहले चक्का जाम किया गया, रेलें रोकी गई, आज भारत बंद कर दिया गया, पर फिर भी सरकार सुन क्यों नहीं रही? हम है सरकार ना सुने, हमें सरकार को है, हमारी एकता जो है, हमारा जो आंदोलन है आज देशव्यापी होने के लिए जा रहा है। और हम ये दावे से कहते हैं हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे,
हमें जो हमारे आंदोलन के जो कर्ता धर्ता है, जो सांझे मोर्चा के नेता है, वो जो है जो हमें आदेश देते हैं उसी आदेश का हम पालन शांतिपूर्वक करते हैं। हमारा जो आज का हम जो संदेश दिया गया था उसका यही था कि ये आंदोलन को आपने इसे को सारे देश के अंदर चक्का जाम होगा। हमने केएमपी पर जी की उम्र 85 साल है पर जोश नौजवानों नाल आला है, पूरी आवाज दे विच पूरी गूंज है, पर समा साडे कोले थोड़ा है। कित्थों आए हो जी? सत श्रीकाल भाजी, अपना जिला हुशियारपुर दसूआ मकेरियां तो आप बिलोंग करते हैं जी। तो सानू इतने असी 28 दिसंबर से आए हुए हैं, तो 28 दिसंबर तो ही इस धरने के मौजूद हाँ। तो आप अज संयुक्त मोर्चे वालों 26 तरीक की कॉल दी गई सी भी आप जिन्ना भी पंजाब भारत बंद करने की दी गई, जिथे जिथे भी साड़ी किसान यूनियन बैठिया हुई हैं, असी बड़े ही वधिया तरीके दे नाल अपनी यूनियन का जो उन्होंने फैसला लिया उस फैसले के अनुसार असी ये जी अपनी कॉल दी गई है उन्होंने असी पूर्ण तौर पर निभावांगे। तो दूजी गल मैं दसना चाहुंदा आ कि आप ही नाल गुरु महाराज का लंगर भी चालू किया होया कि आम जनता भी ना कोई प्रॉब्लम हो, ते नाल दी नाल जिमीदार भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो एक तस्वीर थोड़ा दिखाना चाहूँगा, कितों जी तुसी? जिला जलंधर, ये पंजाब ते हरियाणे के किसान ने, तुसी एका देख सकते हो किवें एक दूजे के गल दे विच बाहां पा के एक दूसरे का सहारा बन के खड़े हुए ने। एक दूजे नूं पहला भी जानते सी? नहीं, अंदोलन विच ही। अंदोलन च पहली बार मिले? हाँ जी हाँ जी। इन्ना प्यारे तो ऐ लगता जिवें दो भरा सच्ची सखे भरा हो। असीं सखे भरा किसान यूनियन दे सारे सखे भरा बतेगदा है नहीं कोई भी। ओ बेटा असीं ने असीं भरा सी भरा हाँ भरा रहेंगे, हमारा खून का रिश्ता एक है। हमारा जो है चाचा अजीत सिंह ने भी 1907 के अंदर ये आंदोलन चलाया था, किसान आंदोलन, उसके अंदर भी हमारी 9 महीना चलने के बाद में आजाद हुई थी। और भगत सिंह जैसे उनके वारिस हैं हम, चौधरी छोटू राम के वारिस हैं हम, हरियाणा प्रदेश जो कि पंजाब का 1937 के अंदर इस पंजाब का जो कृषि मंत्री था उसने भी 3 कानून बनाए थे। ये जो मंडियां हैं MSP जो है ये सारे देश में नहीं है, ये सिर्फ पंजाब में चौधरी छोटू राम की बदौलत है जो कि इसी धरती पर जहां हम खड़े हैं यहीं पैदा हुआ था। इसलिए हमारी जीत के बारे में कोई ये शक करे या मोदी ये कहे मैं उल्टा नहीं लूँगा, मोदी या मोदी का बाप ने भी लेने पड़ेंगे। जन आंदोलन के आगे कोई आज तक टिका नहीं है। ये गोरे गए जिसका कि सैकड़ों देशों पर सूर्य निकलता है और छिपता है वहाँ तक था, और मोदी तो किस बाढ़ का बथुआ है, मोदी तो है ना इस तरह से जाएगा इसका नाम निशान मिटेगा और आने वाला देश के इतिहास लिखा जा रहा है जैसे हमारे उन सूरवीरों का इतिहास लिखा गया था, इसी तरह का आज भी इतिहास लिखा जा रहा है। इस इतिहास के अंदर बच्चे पढ़ा करेंगे सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री कौन था, उसका नाम मोदी होगा। बापू नहीं लगता कि नौजवानों ने ये बंद किया हो? आपकी 85 साल उम्र है, इतनी धूप है, आपको घर पे होना चाहिए था, ये हो जाए बेटा घर पे क्या करेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमें घर पे थोड़ा है, हमें है ना गलत संदेश जाएगा। हमारी उम्र है वो हमारे बच्चों का अलग है, और हमें बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें बख्शेंगे नहीं। हमें इनको है ना जमीन देनी है या हमें इनकी जमीन खुसवानी है, इसलिए इस जमीन के वारिस बना करके हम जाएंगे। ये जमीन तुम्हारी है, हमें अपने पूर्वजों से मिली, हमें बंदा सिंह बहादुर से मिली, हम जमीनों के मालिकों ने इस जमीन का ये है ना अंबानी अडानी हमारी जमीन को नहीं खोज सकता। हम एक थोड़ा डौड़ा हो उसको है ना कोई वो कर दे उस डौड़े के अंदर उसको जो है उसको कोई खोद दे तो हम उस पर है मर मिट जाते हैं, लेकिन हम अपने किसान एकता। सो तुसी तस्वीर देख सकते हो कि इत्थे तस्वीर दे विच पंजाब हरियाणा किसान एकता जिहड़ा सांझा ने वो दिख रही ने। इधर नौजवान ने बजुर्ग नौजवान सारे इकट्ठे हो के कोई भी कॉल दी जाती है किसान जथेबंदियों वालों पूरा जिहड़ा प्रभाव वो देखने को मिल रहा है। सो इत्थे नौजवान भी बैठे ने, नौजवानों के नाल भी थोड़ी मुलाकात करवाने आ। की हाल ने भाई जी? सुरेंद्र सिंह। अच्छा जी, कितों आए हो? जिला रोपड़। अच्छा रोपड़ तो आए हो इत्थे बंद करा? रोपड़ तो आए असीं 4 महीने पहला। अच्छा उहदे कुंडली सी उरे ही है जी पक्के उस दा बाहर। अच्छा जी हाँ जी। सो किन्ने बजे बंद करता सी रोड? इह करता था जी 10 बजे। अच्छा हाँ जी, ते पिछे भी जिहड़े छोटे रोड है लिंक सड़कां उह बंद करियां पहलां फिर इह बंद करिया आ के, ते बाकी अगे जिवें जथेबंदी दा सुनेहा होऊगा उह ते पहरा देवांगे। हाँ जी। सो लोग आ रहे ने या बंद ही है? सारे नूं पता है बिल्कुल बंद है जी बिल्कुल।
कोई एम्बूलेंस है या कोई होर मजबूरी है कोई मेडिकल है बंदा ओनू जान दिता जाता है। रास्ता रखा हुआ एक रास्ता ओके वास्ते है जी। हाँ जी बाकी किसी होर अज के दिन जान दिता नहीं जाऊगा। नौजवान तो बुजुर्गों के बिच जे आप गल करिए सोशल मीडिया से बड़िया गल् चल दया ने कि आपसी टकरार कि आपसी जी विचार लैके मतभेद चल रहा है पर उरे 80-85 साल के बजुर्गों गल करके आए इतने नौजवान भी बैठे ने है कोई अजिही गल नहीं जी ये तो फेसबुक ही हो सारे गल्ला मारने वाले कोई फर्क नहीं है नौजवान भी ताही आए जो बजुर्ग जमे है नौजवान कि ट्रेना च आ गए ठीक है जी। बाकी गल है विचारधारा बजुर्गों की है तो जी शक्ति है वह नौजवानों की है असी बजुर्गों की लाइन से चलना है ठीक है जी जिमें साढ़े बड़े हुक्म देंगे वह तो फुल पहरा देवे सो धन्यवाद। सो नौजवानों के नाल जो भी गल करते हैं तो उन्होंने यही कहना होंगे कि इतने असी जोश के नाल नाल जिथे काम ले रहे हैं उत्थे बजुर्गों की जी सियाणप है जो उन्होंने एक्सपीरियंस है उन्होंने हुक्मों की भी असी कदर करते हैं पालना करते हैं। सो तुसी नीचे भी देख सकते हो एक करनाल रोड है जिहड़ा तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि ये भी किसानों वालों बंद किया हो। सो पूरा जिहड़ा असर देखने नूं मिल रहा है अज 26 तरीक की जिहड़ी किसानों वालों कॉल दी गई सी वो पूर्ण तौर पर जे मैं गल करा इस KMP रोड की या फिर करनाल रोड की तो इतने पूरा जिहड़ा उस चीज़ का असर देखने मिल रहा है। सो होर भी तस्वीर तो होर भी किसानों के नाल थोड़ी गल करवाने पहला थोनू ये तस्वीर दिखा दिए कि ये उही KMP रोड है जिहड़ी 24 घंटे पूरी बिजी रहती है पर अज इत पूरा जाम लग्या होया है कोई भी जिहड़ा वाहन नहीं देखने मिल रहा सिर्फ किसानों दी गड्डियां तो बिना। कहाँ से आए हो जी? चीका से आए भाई जी। चीका से आए हो? ठीक है। हाँ जी लगता है कि इस जैसे आप बंद कर रहे हो इसका प्रभाव पड़ेगा मानेगी सरकार? सरकार को समझ आना चाहिए अगर आज तो आज नहीं मानती है तो फिर निश्चितकालीन के महीना 2 महीने का भी बंद कर सकते हैं। ये सरकार को थोड़ा सोचना समझना चाहिए अगर 4 महीने से भी नहीं सुनेगी ना तो कई कई साल लगे तैयार बैठे हैं मतलब रोड के ऊपर ही रहना हमने तो जो जिंदगी रोड पे बिठा दिए लाके और क्या काम है हमने भाई रोड पे बैठना या मरना बस या सीधी देनी है या सीधी देनी है। तो ये जनता की सरकार नहीं है ये मनुवादियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी का इतिहास याद कर लेना चाहिए कि इंदिरा गांधी का इतिहास क्या था। बंगाल का चुनाव उस समय था 71 का दशक इसको याद करना चाहिए और वही हाल होने वाला है नरेंद्र मोदी का भी। ये जो सोच रहा है ना वो किसी भी कीमत पर होने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी से जनता अपील कर रही है कि तीनों कानून है वो वापस ले ले नहीं तो बड़े हाथ जिस दिन जनता ले लेगी ना तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में भी घुसने के लिए इसको जगह नहीं मिलेगा। ये देश की जनता के साथ अन्याय। किसानों का जिहड़ा रोस है वो जाहिर करते ने अपना जिहड़ा लगातार सरकारां दे प्रति रोस है वो भी जाहिर करते हुए नज़र आते ने। सो लगातार थोनू तस्वीर दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर तुसीं देख रहे हो KMP रोड दियां थोनू अगे भी लैके चलते हैं। हालांकि इस वक्त इत्थे पूरी गर्मी है पर किसानों के जिहड़े हौसले ने वो पूरे बुलंद ने कोई भी कॉल जिहड़ी दित्ती जांदी है जथेबंदियों वल्लों उहदा पूर्ण तौर पर जिहड़ा प्रभाव देखण नूं मिलदा है चाहे वह चक्का जाम की कॉल होवे रेल रोको होवे या फिर भारत बंद का भी जिहड़ी अज कॉल दा इत्थे पूरा असर देखण नूं मिल रहा है। सो थोनू तस्वीर दिखाने हैं तो इधर पूरी जी रोड है पूरी जाम हुई हुई है। सो
सो इधर किसानों के नाल भी थोड़ी गल कराने कितों आए बापू जी अपने शाम दे 6 बजे तक चार महीने हो गए बाबे बैठे नू अज तो बैठा गए 6 बजे तक चार महीने हो गए बैठे नू हाँ जी चलो धन्यवाद जी। सो अज सू दिखाने की कोशिश की थी कि के एम पी रोड दिया तस्वीर ने कि उसका जोड़ा किसान जथेबंदियों वालों भारत बंद की कॉल दी गई है कि असर दिख रहा है। सो तस्वीर तुम देख लिया किसानों के जज्बात भी सुन ले फिर थोड़े नाल जुड़ा थोनू इस अंदोलन की जी अपडेट देंदे रहेंगे साढ़े नाल जुड़े रहो। तुसी देख रहे रोजाना स्पोक्समैन कैमरे के पिछे मेरा साथ दिता मेरे सहयोगी करण बसरा ने मैं शशवनगर धन्यवाद।